Hi everyone, I'm Rocky and in this video I'm going to explain you the solution regarding question number 1 which is on page number 35, chapter number 3, Atoms and Molecules, class 9th NCERT. So let's have a look on the question now. Question here, define the atomic mass unit. So what is atomic mass unit? Dekhiye, mass unit equals to exactly 1 by 12, the mass of one atom of carbon 12 is known as atomic mass unit. ठीक है, carbon 12 जो हमने isotope लिया है, it was chosen as the standard reference for measuring the atomic masses. So what is atomic mass unit? Mass unit equals to exactly 1 by 12th the mass of one atom of carbon 12, ठीक है, is known as atomic मास यूनिट. ठीक है, कार्बन 12 जो ये आइसोटोप है, इट वाज चोजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस, इट वाज चोजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग व्हाट एटॉमिक मासेस. ठीक है, 1961 के अंदर कार्बन 12 को चूज किया गया एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मासेस. देखिए, एक एग्जांपल लेके मैं इसको समझाती हूँ एटॉमिक मास यूनिट को. एक फ्रूट सेलर है और उसके पास कोई भी स्टैंडर्ड वेइंग वेट्स बिल्कुल नहीं है. ठीक है, एक फ्रूट सेलर है और उसके पास स्टैंडर्ड वेट नहीं है फॉर मेजरिंग इट्स फूड. वो क्या करता है, वो एक बहुत बड़ा सारा वाटरमेलन लेता है और कहता है कि इस वाटरमेलन का जो मास है वो इक्वल्स टू है 12 यूनिट्स, या फिर कहिए 12 वाटरमेलन यूनिट्स. ठीक है, क्या कहता है, इस वाटरमेलन का मास इक्वल्स टू है 12 वाटरमेलन यूनिट्स, 12 यूनिट्स के इक्वलेंट है इस एक वाटरमेलन का मास. क्या करता है, फिर वो वाटरमेलन को 12 टुकड़ों में बांट देता है. अब क्या करेगा वो, अब वो बहुत आराम से जो उसके पास दूसरे फ्रूट्स हैं उनको वे कर लेगा रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ वाटरमेलन. ठीक है, वाटरमेलन क्या कहता है, सेलर की एक वाटरमेलन का जो मास है वो इक्वल्स टू है 12 यूनिट्स या 12 वाटरमेलन यूनिट्स या 12 फ्रूट यूनिट्स. ठीक है, बात हो गई, उसने वाटरमेलन को 12 टुकड़ों में काट दिया. अब वो अपने फ्रूट्स को वे करेगा रिलेटेड टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ वाटरमेलन. ठीक है, अगर उसने वे किया कि एक वाटरमेलन का उसने पीस लिया, उसने एक साइड वेइंग बैलेंस के एक साइड में एक वाटरमेलन के पीस को रखा, उसके अकॉर्डिंग जो भी फ्रूट्स का मास है या जितने भी फ्रूट्स उसमें आते हैं वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे. अब उसने अपने अकॉर्डिंग ये सोच रखा हो शायद कि इस एक पीस का जो मास है, मैं सपोज करता हूँ 500 ग्राम्स लेता हूँ, किसी को मुझसे आधा किलो फ्रूट चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूंगा, एक पीस वाटरमेलन का एक साइड रखूंगा और उसके अकॉर्डिंग जितना भी आएगा इट विल बी हाफ केजी. क्या पता उसने ये भी सोच रखा हो कि उस एक पीस का मास इज इक्वल टू 250 ग्राम्स. ठीक है, 250 ग्राम्स के इक्विवेलेंट है उस एक पीस का मास. तो अगर किसी को 250 ग्राम्स ऑफ द फ्रूट चाहिए होंगे तो मैं उस एक पीस को रखूंगा और क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंग जितना भी फ्रूट आएगा वो दे दूंगा. ठीक है, तो अगर उससे कभी कोई मांगने आते कि मुझे एक किलो फ्रूट चाहिए, तो क्या करेगा, वो ऐसे चार पीसेस वाटरमेलन के वहां रखेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा वेट, जो भी जितने भी फ्रूट आएंगे वो उनको दे देगा. तो वो क्या कर रहा है, उसने अपनी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट ले रखी है. क्या ले रखी है, वाटरमेलन की वो 12 यूनिट्स जो उसने ली हुई है वो उसने उसको स्टैंडर्ड मान रखा है कि किसी ने मुझसे अगर ये मांगा तो मैं ये करके ये दे दूंगा. ठीक है, सो सेम इज द केस ओवर है, हमने स्टैंडर्ड अपनी रेफरेंस यूनिट मेजरिंग फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड यूनिट रखी है वो है
कार्बन 12, सो मास यूनिट इक्वल्स टू एग्जैक्टली 1/12, द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से. एंड वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1.66 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम्स. इस बात का आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, आई होप जो एग्जांपल मैंने लिया और जिस उस एग्जांपल से जो मैं रिलेट करना चाहती थी और जो आपको बताना चाहती थी एटॉमिक मास यूनिट के रिगार्डिंग, आपको वो समझ में आ गया होगा. लेकिन फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो, देन प्लीज डू लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो. एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन, एंड इट इज मीरा की सेइंग यू ऑल अ गुड बाय एंड टेक केयर.